मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में आपको करना क्या चाहिए। हमारे साथ रवि दियोरा हैं इस वक्त बात करने के लिए। रवि जी, गोल्ड का मार्केट 250 रुपए ऊपर है, 61,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए गोल्ड में? गोल्ड के प्राइसेस में लगातार नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है, डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, बॉन्ड यील्ड्स में भी एक गिरावट आई है, तो मुझे लग रहा है कि अभी तो उसका फायदा मिलना चाहिए। इन पर्टिकुलर प्राइसेस एक अहम रेजिस्टेंस में इंटरनेशनल मार्केट में है। आई थिंक अगर 2000 के ऊपर आज का क्लोज आया तो एक वीकली ब्रेकआउट पे गोल्ड क्लोज होगा, मेरे हिसाब से बाय करना उचित रहेगा। 60,900 पे गोल्ड बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 60,680 का एंड 61,300 ये इंट्राडे टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। 226 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड, 60,968 का लेवल है। चांदी पर अभी जी क्या व्यू आपका, सिल्वर में क्या करें? जरूर सर, चांदी में भी व्यू पॉजिटिव है, इन पर्टिकुलर आज के दिन एंड कल का दिन का कंबाइंड मोमेंट काफी अच्छा अपसाइड सिल्वर ने दिया है। हालांकि थोड़ा बहुत वहां पे वोलेटिलिटी के हिसाब से मैं कोशिश रहूंगा, बट यस अभी भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अपसाइड है, विजिबल ट्रेंड दिख रहा है। 73,740 के करीब बाय करे सिल्वर के करंट कॉन्ट्रैक्ट को, स्टॉप लॉस लगाए 73,280 का। मुझे लग रहा है कि एक सीमित यहां से अपसाइड बचे है, वो 74,500 तक के लेवल आपको अप्रोच होते हुए दिख सकते हैं, वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेंगे। ओके, क्रूड पर क्या कमेंट है आपका रवि जी, क्योंकि कल हमने बहुत तेज गिरावट देखी, 4 महीने के लो पर है कच्चा तेल, 5% से ज्यादा कल टूटा क्रूड। आप बताएं क्या क्रूड में भी और गिरावट बाकी है या आपको लगता है कि अब गिरावट पूरी हो चुकी है, बाइंग का मौका आ गया है? जरूर से गिरावट काफी स्टिफ है, लगातार फोर्थ वीक इंटरनेशनल प्राइसेस का अभी नेगेटिव साइड क्लोज होने के लिए तैयार है। मुझे लग रहा है कि सारे फंडामेंटल्स जो नेगेटिव थे वो ऑलमोस्ट प्राइसिंग है, यहाँ से अभी आगे जाके मार्केट का फोकस ओपेक प्लस मीटिंग पे होगा। अभी मन से कल रशिया वाला न्यूज था, उसमें भी G7 का जो कैप है $60 उसके ऊपर बेचने के लिए US ट्राई कर रहा है कि उस पे सैंक्शन लगे, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, इकोनॉमी का नेगेटिव इम्पैक्ट था। मुझे लग रहा है ये सारा प्राइसिंग है, यहाँ से कॉन्ट्रा जाना है, हालांकि फ्यूचर से कॉन्ट्रा जाना फिर भी रिस्क है, इसे आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 6200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, 260 के करीब प्राइसेस चल रहे, बाय करें ये ऑप्शन को विद स्टॉप लॉस ऑफ 200, 380 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि वैसे ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब 6300 के ऊपर स्टेबल होगा, बट एटलीस्ट 6300 तक के शॉर्ट कवरिंग के मैं उम्मीद दो ट्रेडिंग सेशन में कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। नेचुरल गैस पर आपका व्यू, आज तो बड़ा रेंज का कारोबार है, 255 के आसपास है भाव, क्या करें एनजी में? एनजी में सिमिलर वे में एक पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, हालांकि मेरा मानना है एंड थोड़ा ऑप्टिमिज्म मुझे वेदर रिपोर्ट से लग रहा है, ये जो फ्राइडे लेट इवनिंग वेदर रिपोर्ट आएगा थोड़ा कूलर वेदर के एक्सपेक्टेशन है, और इस हिसाब से मंडे से फिर से प्राइसेस में एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। उसमें भी नेचुरल गैस का 250 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, वो 9 के करीब चल रहा है, ये कॉल ऑप्शन कोई बाय कर ले, स्टॉप लॉस लगाए 3 रुपए का। मुझे लग रहा है कि ये कॉल ऑप्शन आपको अगले सप्ताह तक 20 एंड 22 तक के लेवल देख सकता है, और मुझे नेक्स्ट वीक में नेचुरल गैस के फ्यूचर के प्राइस 272 तक जाते हुए देख सकते। ओके, 272 तक आप करें कि प्राइस जाता हुआ आपको दिख सकता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेस मेटल की, मेटल में आज के लिए कोई कॉल सर जहां पर आपको लगता हो कि हाँ ट्रेड लिया जा सकता है बेस मेटल में? मोस्ट ऑफ बेस मेटल मुझे लग रहा है कि अपने बेस के करीब है, बट अभी मींस वहां से रिवर्सल के साइन मुझे आज के दिन मेटल्स नहीं लग रहे, एक थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया रख के आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेना एक बेटर ट्रेड हो सकता है। जिंक में गिरावट स्टीप थी, जिंक में हालांकि इतना फर्म रीजन नहीं है, चाइना के मैक्रो के वो भी पॉजिटिव आए थे, और अभी मींस मार्केट के एक्सपेक्टेशन है कि शायद इन्वेंट्री बढ़े, बट मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से 2 से 3 माइनिंग अंडरस्ट है एक कमोडिटी आपको आउट परफॉर्म करते दिख सकते हैं। 226 के करीब ट्रेड मिले, कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 223.20 का। मुझे लग रहा है 232 तक के लेवल आपको 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई मेटल पे। अब आप आते हैं एग्री मार्केट पे, एग्री में रवि जी आज ग्वार आपको कैसा लग रहा है? ग्वार में अच्छी तेजी आई थी 2 दिन पहले, आज मार्केट थोड़ा सा दबाव में है, क्या ये गिरावट आपको बाइंग का मौका दिख रहा है, खरीदना चाहिए क्या करना चाहिए बताइए?
जरूर से बाइंग का मौका मुझे दिख रहा है। पर्टिकुलर उसके दो रीजन है, दोनों टेक्निकल है। पहला टेक्निकल रीजन है क्योंकि मंडिया बंद है, इससे आपसे रेफरेंस प्राइस का थोड़ा अपाव है, तो इससे आपसे प्राइसेस में अभी थोड़ा एक दायरे में कारोबार हो रहा है। सेकंड रीजन है कि एक्सपायरी चल रहे हैं एंड एक्सपायरी के 5 दिन थोड़ा मार्केट सबड्यूड रहता है, तो वो एक्टिविटी भी आपको मंडे होते हुए दिख सकते हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी अपसाइड आपको मंडे तक आते हुए दिखे, बट ट्यूजडे ऑनवर्ड आपको अच्छी एंड स्टीप रिकवरी गोवा कॉम्प्लेक्स में आते दिख सकते हैं। तो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के परस्पेक्टिव से गोवर सीड एंड गोवर गम दोनों बाय कर ले, एक अट्रैक्टिव लेवल पे मुझे ये दोनों प्लेस लग रहा है। गोवर गम बाय करें, करंट लेवल पे 11,700 के करीब चल रहा है प्राइस, बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 11,560 का, और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 12,300 तक के लेवल आपको गोवर गम में आते दिख सकते हैं। गोवर सीड 5,800 का करीब रेट चल रहा है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5,720 और 5,980 तक के लेवल की उम्मीद मैं अगले सप्ताह तक कर रहा हूँ। ओके बिल्कुल संक्षेप में सर, 30 सेकंड में जीरे में अब क्या किया जाए? जीरे में सेल ऑन राइज है, जैसे जैसे डेटा आ रहा है आई थिंक के प्राइसेस में थोड़ा वोल्टालिटी बढ़ा है, बट उसमें सेल करें, करंट लेवल पे सेल करें, 42,600 पे प्राइस चल रहा है, स्टॉप लॉस लगाए 40,800 का, और डाउन साइड 42,000 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए तो ये राय आपकी हो गई जीरे के ऊपर कि जीरे में आपको क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरह का ट्रेड आज लेना ठीक रहेगा।